नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। शुरुआत करेंगे खबरों के विस्तार में। चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी से कई गांवों के सरपंचों ने मुलाकात की है। इस मौके पर सरपंचों ने सीएम सैनी से सार्थक संवाद किया। चर्चा के बाद सरपंचों ने जानकारी देते हुए बताया कि सीएम ने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वासन दिया है कि आचार संहिता हटने के बाद विकास कार्यों में और भी तेजी आएगी। इसी के साथ ही सरपंचों ने कहा कि कुछ लोग केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं, ऐसे लोगों के झांसे में न आए। साथी अपने गांव के विकास के लिए चुन के आए हैं और सरकार हमारे साथ खड़ी है, तो कुछ एक सरपंच साथी हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, इसमें वो बरगला रहे हैं कुछ सरपंचों को, तो मैं उनसे सभी से यही अपील करना चाहूंगा कि सभी साथी सरकार के साथ खड़े हों और अपने गांव के विकास के कार्य करें। सरपंच प्रतिनिधि बसंतलाल उमरी, हम आज सीएम साहब से मिले थे, लाडवाल के सरपंच एसोसिएशन मिली थी, उन्होंने हमारी बड़ी अच्छी तरीके से हमारी मांगे सुनी है और हमें पूरा जोरदार आश्वासन दिया है। जी शिमला सरपंच ग्राम पंचायत बबैन से आज सीएम साहब से मिलने का मौका मिला, बड़ा सौभाग्य की बात है सभी सरपंचों के लिए, और जो हमने अपनी मांगे रखी हैं तो सीएम साहब ने बोला है कि पूरा खाका तैयार हो चुका है, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट के कारण 4 जून के बाद इसका ऐलान कर सकते हैं और हम सभी इस बात से सहमत हैं। सोनीपत से बीजेपी लोकसभा प्रत्याशी मोहनलाल बडोली ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसमें पूर्व सीएम मनोहर लाल भी पहुंचे। नामांकन के लिए रथ पर सवार होकर यात्रा निकाली गई और इस मौके पर पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री कृष्णलाल पंवार, साथ ही बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान जनसभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम मनोहर लाल ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सोनीपत से बीजेपी प्रत्याशी पीएम मोदी के भाई हैं, जबकि कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वो राहुल गांधी के भाई हैं। अब जनता को ये देखना होगा कि वे नरेंद्र मोदी के भाई को जिताना चाहता है या फिर राहुल गांधी के भाई को। तो कहते हैं कि मैं भी तो आपका भाई हूं, लोग कहते हैं भाई मोहनलाल जी तुम्हारा भाई है, लेकिन जो लोगों का कहना है कि अंतर क्या है, अंतर ये है कि कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो केवल हमारा भाई नहीं है, लोग जो उनको कहते हैं वो राहुल गांधी का भाई है और हमारे मोहनलाल जी ये नरेंद्र मोदी के भाई हैं। अगर हमने किसी को वोट देने हैं, दो भाइयों में से छांटना भी है, तो राहुल गांधी के भाई को क्यों छांटेंगे, फिर तो नरेंद्र मोदी के भाई को छांटेंगे। ये केवल दो प्रत्याशियों का चुनाव नहीं है, ये दो नेताओं के बीच में, और दो नेताओं के बीच में जब मुकाबला लोग करते हैं, मोदी जी के कार्यकाल को देखते हैं 10 साल का कार्यकाल, अब कांग्रेस के कार्यकाल को जो उन्होंने 55-60 साल देश पर राज किया उसको देखते हैं। जो मोदी जी ने 10 साल में काम किए, मैं कह सकता हूं कि वो कांग्रेस के 55 साल में होने तो दूर की बात, उन्होंने जो समस्याएं पैदा की थी मोदी जी ने, वो कांटे चुने हैं सारे, वो कांटे चुने हैं। अगर बताइए 370 धारा किसने बनाई थी, किसने खड़ी की थी, ये कांग्रेस ने खड़ी की। इस 370 के होते कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग नहीं बना सकते थे, और कश्मीर की लड़ाई में पाकिस्तान भी घुसा हुआ था, हमारी फौजें वहां जाती थी, सैकड़ों शहीद होते थे, कि बीच एक गलियारा बिहार से लेकर के और केरल तक नक्सलवाद का गलियारा यह खड़ा हो गया था, नक्सली सक्रिय हो गया कि देश को हिस्से दो बांट देंगे। मोदी जी के आने के बाद सबने देश के कानून को मानना शुरू कर दिया है और नक्सलवादियों ने आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया है कि देश अब एक रहेगा, देश के बंटने का कोई भी खतरा आज नहीं है। मित्रों भाई बहनों, हम नागालैंड ले लें, मणिपुर ले लें, मेघालय ले लें, असम ले लें, ये सारे प्रदेश जल रहे थे, लगता था कि शायद ये। तो पूर्व सीएम मनोहरलाल को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरियाणा सूचना और जनसंपर्क विभाग में तबादले किए गए। ज्वाइंट डायरेक्टर आरएस सांगवान को दिल्ली हरियाणा भवन में नियुक्त किया गया। ज्वाइंट डायरेक्टर राज सिंह कादियान को चंडीगढ़ मुख्यालय के साथ ही गुरुग्राम एनसीआर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया।
इसके अलावा 20 जनसंपर्क अधिकारियों के भी तबादले किए गए। और जेजेपी पार्टी से नाराज पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे राजवीर संधू ने नारनौंद कस्बे में अपने समर्थकों के साथ जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया है। जल्द ही जनसभा करके बड़ा फैसला लेने की घोषणा की है। आपको बता दें कि राजवीर संधू ने 2009 में बरवाला हल्के से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और 2014 में नारनौंद हल्के से कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। उसके बाद जेजेपी पार्टी में शामिल हो गए थे। ये है कि मैं जननायक जनता पार्टी से आज उसकी प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं। जननायक जनता पार्टी का जो आधार है वो चौधरी देवलाल की नीतियों पे है, लेकिन जिस भी नीति को चौधरी देवलाल फॉलो करते थे, जननायक जनता पार्टी के नेताओं ने उनको बिल्कुल भी फॉलो करने का काम नहीं किया। चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे नौजवान की बेरोजगारी की बात हो, चाहे अग्निवीर कि जो नई पॉलिसी बीजेपी लेकर के आई उस पर बीजेपी जेजेपी के नेताओं ने किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया। और अब खबर नारनौंद से है, जहां धर्मशाला में इंटक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें भवन निर्माण से संबंधित मजदूरों ने भाग लिया। इस मौके पर जिला और प्रदेश के इंटक के नेता मौजूद रहे। इंटक के प्रदेश महासचिव धर्मवीर लोहान ने कहा कि नारनौंद में इंटक द्वारा स्थापना दिवस मनाया गया। इंटक की नीतियों को लेकर मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है और इंटक की नीति है कि जियो और जीने दो। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं, उन अधिकारों को लेना है। वहीं कृष्ण नैन ने कहा कि हमने 77वां स्थापना दिवस मनाया है और मजदूरों को यह बताया कि जो हमारे अधिकार हैं उनको बचाने के लिए कैसे संघर्ष किया जाए। मैं हरियाणा का जरूर सेक्रेटरी हूं स्टेट का, और INBCWF का ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट भी हूं, और हमें पूरे आज का जो हमारा प्रोग्राम है इंटक का 77वां स्थापना दिवस जो मनाया जा रहा है वो इंटक की नीतियों को लेकर मजदूरों को जागरूक किया जा रहा है कि इंटक इस नीति के साथ जी और जीने जो मजदूर और मालिक एक गाड़ी के पहिए पड़कर काम करें, उस नीति के साथ मजदूरों के अधिकार जो सरकार ने छीने गए हैं। मैम, मैं भवन निर्माण मजदूर का प्रदेश महासचिव और इंटक का उपाध्यक्ष। जो आज का 77वां स्थापना दिवस मनाया है उसमें मजदूरों को ये बताया जो हमारे अधिकार थे उनको बचाने के लिए कैसे संघर्ष किया है। जो सबसे इंटक बनी है मजदूरों की लड़ाई लड़ती जा रही है और उसको जो संविधान बचाने के लिए, जो मजदूरों के अधिकार बचाने के लिए जो ये सरकार खत्म करने जा रही है, चाहे वो मजदूरों के 44 सेकंड हो, चाहे वो जो हमारे निर्माण मजदूर है उनकी समस्या है, जो प्रतिदिन हमने आपने देखा हुआ नारनौंद में इतने प्रदर्शन करे होने के बाद भी सरकार नहीं मानी। कुरुक्षेत्र पुलिस ने व्यापारी से फिरौती मांगने और फिरौती का पैसा न देने पर घर में घुसकर परिजनों पर जानलेवा हमला करके व्यापारी के भाई की हत्या करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि फिरौती न देने पर आरोपियों ने व्यापारी के भाई की हत्या कर दी थी, जहां इलाज के दौरान 2 मई की रात उसकी मौत भी हो गई। दिनांक 26/27/4/2024 की रात को पेहवा के व्यापारी सुमित बंसल से फिरौती मांगी गई, जो व्यापारी द्वारा फिरौती ना देने के कारण आरोपियों ने व्यापारी के घर पे चाकुओं व लाठी डंडों से हमला किया। जो हमले के दौरान व्यापारी सुमित बंसल के भाई अमित बंसल, शुभम व उसके पिता वीरभान को चोटें आई, जो दौरान इलाज कल रात को अमित बंसल की मृत्यु हो गई, जिसमें माननीय पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्रा के मार्गदर्शन व प्रभारी CIA वन इंचार्ज इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह के दिशा निर्देशानुसार CIA वन कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
अब खबर यमुनानगर से, जहां प्रतापनगर इलाके में दो छात्रों की नहर में डूबने से मौत हो गई। आपको बता दें कि छात्रों का अभी रिजल्ट आया था, इसकी खुशी मनाने के लिए उन्होंने पहले शराब पी और फिर नहर में उतर गए, लेकिन पानी की गहराई ज्यादा होने की वजह से वो वापस नहीं लौट पाए। वहीं आपको बता दें कि दोनों छात्रों के शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल भेज दिया गया है। हम तो खेत में चले गए थे बूस्ट होने के लिए, हम तो घर ही नहीं थे जी। पर बाकी वो कह रहा था रात में उसके ड्रेस दिलवाया पाया जी, वो कह रहा था भी ऐसा मैंने ड्रेस ले ली, मैं चल दिलवाया दे दे। मैंने दुआ का रात 8:30 बजे गए जी हम घर हैदराबाद तक, स्कूल में आना था उसने और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी जी। तो यहाँ कितने बच्चे, क्या आपके बच्चे को तैरना आता है? ना कुछ नहीं जी, वो तो 16 साल का ही था जी। कौन सी क्लास के थे तुमने? प्लस टू का था जी। कृष भाई ये स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे थे, आज ये यहाँ आए थे नहर पे, कोई खा पी रहे थे, 9 बच्चे थे ये, जिनमें से 7 बच्चे तो बाहर बैठे खा पी रहे थे, 2 बच्चे नहाने के लिए उतरे थे। जब ये नहाने उतरे तो ऊपर से अचानक पानी आ गया, उस पानी के बच्चों को पता नहीं लगा और उस पानी डूब गए। अब गोताखोर मंगवाए हैं उन्होंने, डेड बॉडी दोनों बच्चों के बाहर काट दिए। ये प्लस टू के बच्चे थे। पोस्टमार्टम कराया जाएगा? हाँ जी, अब पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उम्र कितनी होगी? 17-17 साल है जी, लगभग 17 साल। नहाने के लिए नहीं गए? 2 बच्चे दोनों नहाने के लिए गए थे। और हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बल्लभगढ़ की विजय संकल्प रैली ऐतिहासिक होगी। बीजेपी के स्टार प्रचारक की सूची में शामिल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जहां भी पार्टी लगाएगी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ मेहनत करूंगा। कल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री नायक सिंधिया को मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी कल 4:30 बजे बल्लभगढ़ में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसकी तैयारी को देखने के लिए, तैयारी क्या है, किस तरह की है, उस तैयारी को देखने के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रैली सत्र पर आए हैं और रैली बड़ी होगी और बहुत बड़ी ऐतिहासिक होगी। और सभी कार्यकर्ताओं से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने काम किए हैं और जो विकास को गति दी है, देश के प्रधानमंत्री ने गति दी है और हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी इस जनसभा को संबोधित करेंगे, आदरणीय मनोहर लाल जी सभा को संबोधित करेंगे। तो मेरी सबसे सभी लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। और गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह ने पटौदी विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव का चुनावी दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों के बीच जाकर विकास के नाम पर वोट करने की अपील की है। तो वहीं राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि बीजेपी की सरकार में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र में चौमुखी विकास कार्य किए गए हैं और उसी आधार पर पार्टी ने एक बार फिर से मुझ पर भरोसा जताया है और मुझे तीसरी बार चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं साथ ही जनता के बीच जब मैं पहुंच रहा हूं तो जनता का मुझे भारी समर्थन भी मिल रहा है। जो हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, विकास के मुद्दों पे इलेक्शन लड़ रही है, तो लोगों को तय करना है कि आने वाले समय में उनको विकसित देश चाहिए या चंद दिनों के लिए मनोरंजन चाहिए। ये फैसला जनता करेगी और 25 तारीख को हो जाएगा। एक दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा कर रही हैं आप, किस तरह का समर्थन जनता से मिलता? देखो, समर्थन तो भगवान की दया से मुझे हमेशा मिलता आया है। पार्टी ने तीसरी बार मेरे को टिकट दिया है, जितना पहले समर्थन मिल रहा था तो कुछ उससे फालतू ही नजर आ रहा है। फरीदाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार महेंद्र प्रताप ने अपना नामांकन दाखिल किया, लेकिन नामांकन से नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और करण दलाल ने दूरी बनाई। इस दौरान कांग्रेस उम्मीदवार की तरफ से सेक्टर 12 में जनसभा का आयोजन भी किया गया, लेकिन जनसभा में लोग नहीं पहुंचे और कुर्सियां भी खाली दिखाई पड़ी। आपको बता दें, जब महेंद्र प्रताप से हुड्डा के न आने पर सवाल किया गया तो वह जवाब देने से बचते नजर आए। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि 3 जगहों पर उम्मीदवारों के नामांकन थे, तीनों जगहों पर जाना संभव नहीं था, इसलिए आपस में बात करते करके जो है तय किया गया है कि कौन सा नेता कहां जाएगा। अब उनके बीजेपी ज्वाइन करते ही तमाम तरीके
ऐसा नहीं है, सब तरह के पहलू देखे जाते हैं और ये कांग्रेस नेतृत्व का फैसला है, किसी एक का नहीं है। सभी का, सभी नीचे से पहले अपना पार्लियामेंट जो कोऑर्डिनेटर हमने लगाए थे उनकी मीटिंग हुई, फिर प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, फिर स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग हुई, फिर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। सभी चैनलों पर, हर सीट पर बहुत पूरी तरह से विस्तार के साथ मंथन किया गया और उस पर फिर निष्कर्ष निकालना ही था। तो हमारा कोई भी कैंडिडेट कमजोर नहीं होगा नॉमिनेशन में, भूपेंद्र हुड्डा जितेंद्र हुड्डा दूरी बनाए हुए हैं आपसे, आपके नॉमिनेशन में नहीं पहुंचे कौन? नहीं कोई नहीं है, सारे पहुंचे यहाँ तो, पांच आदमी आने से सारे आई वो भी आ जाएंगे। नहीं कोई खिलाफ, नो नॉट एट ऑल, नहीं तुम करा रहे हो, क्या बात है, कोई नहीं कर रहे नहीं है, बयान बयान चाहिए मुझे, दिखाई लिख के दिखाई, अरे लिख के दिखाई। और जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार पालाराम सैनी ने नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला मौजूद रहे। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए कुरुक्षेत्र के लोगों ने मन बनाया है कि बाहर से आए ये तीन बड़े चेहरों के सामने स्थानीय उम्मीदवार पालाराम सैनी को विजयी बनाना है। अभी चुनाव शुरू हुआ है, 6 तारीख के बाद समीकरण बनेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैंडिडेट पालाराम सैनी जी का और अम्बाड़ा लोकसभा के कैंडिडेट श्रीमती डॉक्टर किरण पुनिया जी का नॉमिनेशन पार्टी बरवारी, और वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुबह रमेश खटक जो हमारे सिरसा लोकसभा के कैंडिडेट है उनका नॉमिनेशन बरवाया है। और बड़े अच्छे लोगों के समर्थन के साथ सामाजिक परिस्थितियों को समझते हुए आज कुरुक्षेत्र ने ये मन बनाया है कि तीन बड़े जो बाहर से आए चेहरे हैं उनके आगे अपना खुद का बेटा पालाराम सैनी को कुरुक्षेत्र की जनता ऐतिहासिक वोटों से जिताएगी। और कुरुक्षेत्र से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सुशील गुप्ता का बयान भी सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में पूर्व सीएम मनोहर लाल पर जमकर निशाना साधा है। सुशील गुप्ता ने इस दौरान क्या कुछ कहा है सुनिए। किसानों को जितना दुख मनोहर लाल जी ने दिया है आज तक इतिहास में किसी ने नहीं दिया। किसानों को इन्होंने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, इनके जड़ चीन में बताई, पाकिस्तान में बताई, उपद्रवी कहा, आंदोलनजीवी कहा, और अपने कार्यकर्ताओं को एक आगे लट उठा लो, फसल मंडी के अंदर बिकती रहे, खेत में पड़ी हुई बिकते, इसने खरीदारी तय नहीं करी, मंडियों को बंद कराने की साजिश रची, आज वो किसान कैसे हो सकता है। और हरियाणा के रतिया में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तेजी से फैल रही है। आपको बता दें कि अनेकों लोग जो हैं कैंसर की बीमारी की चपेट में आ रह चुके हैं, तो वहीं कई लोगों की मौत भी कैंसर के कारण हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखाई दे रहा है, जिसके चलते रतिया के वकीलों और पार्षदों ने प्रदेश सरकार से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के समाधान की मांग उठाई है। वहीं आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने माना है कि पेस्टिसाइड युक्त सब्जियां, अनाज के साथ साथ घग्गर में पंजाब की फैक्ट्री का दूषित पानी भी इस बीमारी का कारण हो सकता है। काम तो हम यहाँ जो देख रहे हैं, लगता है भी ये घग्गर का सराउंडिंग एरिया है, दूषित पानी इसमें फैक्ट्रियों का आ रहा है, कहीं ना कहीं एक ये बड़ा कारण है। कितनी की भयंकर बीमारी ये फैली हुई है लोगों में? ये बहुत भयंकर बीमारी है, हजारों लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं, पर हर घर घर में ये फैला हुआ है। कोई तो लोग बेचारा बीकानेर जा रहा है, कोई हिसार जा रहा है, कोई बठिंडा जा रहा है, कोई पीजीआई की तरफ मुंह को देख रहा है, लोग आर्थिक मानसिक और शारीरिक रूप से खत्म होते जा रहे हैं। कारण क्या मानते हो इसका मेन? ये कहीं ना कहीं वाटर बोरन डिजीज लगता है, घग्गर के सराउंडिंग का एरिया है, फैक्ट्रियों का दूषित पानी आ रहा है, पहले हेपेटाइटिस सी ने यहाँ भयंकर रूप से पान पसारे हुए थे। देखो इसके कारण जैसे जनरल पब्लिक बताती है कि ये घग्गर का भी है, और मेरे अगर मेरे नजरिया देखा जाए तो इसका पेस्टिसाइड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि पेस्टिसाइड हम जो फसलों में डाल रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है।
कहीं ना कहीं उस पर भी रोक लगनी चाहिए। और गग्गर के एक भाई पहले भी ये हुआ है कि सैंपल लिया जाए जिससे पता लगे कि ये इसका फैलने का कारण गग्गर ही है या कोई और है। गग्गर की बात है जहाँ तक, इसमें कारण ये नहीं माना जा रहा कि जिस तरह पंजाब की फैक्ट्रियों का पानी इसमें डाला जा रहा है, पहले नहीं था अब डाला जा रहा है, उसके बाद ये बीमारियां फैली हैं। बिल्कुल, अगर देखा जाए गग्गर एक रीजन रहा है, जैसे सी हुआ था, हेपेटाइटिस सी चला था, उसमें भी गग्गर का बहुत बड़ा रोल था। हाँ, ये बताएं जो ये कैंसर की बीमारी फैली है, लोग इसको गग्गर का कारण मानते हैं और आप गग्गर के पास ही रह रहे हो। बात यही, पहले आपने मुझे बुलाया, आपका स्वागत करता हूँ मैं, क्योंकि पहली दफा मुझे वकीलों के माध्यम से आपने जो क्वेश्चन किया है वो बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। इसके बारे में यहाँ एक सर्व समाज बना हुआ है, उसने लड़ाई लड़ी है गग्गर के पानी को जो बना हुआ है उसको ठीक करवाने के लिए, नीचे से सीएम तक, क्या हेल्थ मिनिस्टर केंद्र तक हमारी आवाज पहुंची है और उसका सर्वे हुआ है। सर्वे में ये पाया गया है कि जो पानी है गग्गर का एक वो कैंसर है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी हत्याकांड में आखिरकार सीबीआई जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि सीबीआई के स्पेशल क्राइम शाखा की एक टीम बहादुरगढ़ पहुंची और एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों के साथ वारदात स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद सीबीआई के अधिकारियों ने एसआईटी में शामिल पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की। इसी के साथ ही अब तक की जांच का पूरा ब्यौरा लिया है और आगे की जांच फिलहाल कर रही है। पच्चीस तारीख को मेरे पिताजी की निर्मम हत्या के बाद और उनके साथी जयकिशन दलाल की जो गोलियों से उनकी हत्या कर दी गई थी, उसके बाद दो महीने बीत जाने के बाद सीबीआई ने एक तारीख को ये केस अपने हैंड ओवर लिया है। एक तारीख को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और कल सीबीआई के जांच अधिकारी हमसे मिले थे और जो भी हमारे से उन्होंने पूछताछ की उसका हमने जवाब दिया, उनको बताया और जो जो घटनाक्रम था, जो जो इस साजिश में लोग शामिल थे उनके बारे में सारी जानकारी दी है। इंद्री हलके के गांव बयाना के पास अज्ञात बदमाशों ने एक कैंटर चालक को गंभीर रूप से घायल करके लगभग 3 लाख रुपए छीनने का मामला सामने आया है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। आपको बता दें कि 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक कैंटर चालक से मारपीट कर उन्हें गंभीर रूप से घायल करके लगभग 3 लाख रुपए छीनकर फरार हो गए। ये सारी वारदात पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। इस बारे में जानकारी देते हुए इंद्री डीएसपी सुभाष चंद्र का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव बयाना के पास कैंटर चालक के साथ मारपीट कर उससे पैसे छीनने की वारदात हुई है। फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। जैसे मजद आया खराब है उसके पास रोक गया लाइट में, तो वो उतर का छोकरा प्रसाद करने चलेगा ड्राइवर साइड में, तो प्रसाद करके जैसे वो अंदर आ भी गया तो इस दौरान एक लिखड़ा छोटा थी इंद्री की तरफ गया और उसी के पीछे एक बाइक थी जिसमें 2 बंदे थे वार थे, तो जैसे ही वो अगे गए फिर नसला कर जाएगा अगे नीचे आपका दोबारा ये रोका ना रोका, तो अगे से मुड़कर 1.5-2 किले चलका अगर मुड़कर फिर वापिस आए। अच्छा। तो उसमें बाइक में से उतरे बंदे। अच्छा। तो बाइक में से उतर गए मतलब एकदम उस पर इंटो तम लग रहा। हरियाणा देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।